बोला जाता है कि अर्जुन ने यहाँ पे तपस्या करके कुछ अस्त्र वगैरह प्राप्त किए थे देवताओं से। तो ये रहा भाई अंजन का सेंटर। गंदे वाली बारिश लग पड़ी है यार, शेल्टर की तरफ भाग रहा हूँ। जय शंकर बाबा लोग, नए दिन नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई RDR एंड आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह के 5 बजे से कर रहा हूँ। जस्ट अभी अंजन उठा के गया है, आज को सुबह था 2:30 बजे के करीब और निकलना है। हो जाते हैं रेडी यार, अंजन लगभग हो गया है रेडी, तो बाबा लोग रेडी वगैरह हो लिए, अभी निकलते हैं जल्दी जल्दी। लगभग हम घर से निकल गए हैं, अभी टाइम 5:30 हो रहा है एंड देख सकते हो आप थोड़ा थोड़ा दिन भी स्टार्ट हो गया होने, तो हमें लगभग 2-2.5 घंटे लग जाएंगे यहाँ से शायद धर्मशाला पहुंचते। जल्दी इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि बीच में हमने कुछ खाना वगैरह भी खाना है, अभी तक खाना भी नहीं खाया घर से निकलते हुए, तो वहीं पे करेंगे कहीं। चल मेरा भाई, चलो भाई चलो। हम धर्मशाला ज्वाली वाले रास्ते जा रहे हैं, ज्वाली से अंदर को टर्न करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट 32 मील निकलेंगे आगे। वो वाला लिंक्ड रोड डायरेक्ट धर्मशाला वाले रोड से कनेक्ट होता है 32 मील में, तो वहां से धर्मशाला वाला रोड पकड़ेंगे। तो चलो, तो यहाँ पे रुके अभी पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं यार आगे। ज्वाली से लगभग हम 5-6 किलोमीटर पीछे होने अभी। तो वो लोग, ये ज्वाली का जो मेन रास्ता ये आगे हरसर वगैरह को निकलता है एंड यहाँ से हम अंदर को टर्न कर रहे हैं, ये सीधा डायरेक्ट 32 मील निकलता है। ये देख सकते हो आप, ये ऊपर धर्मशाला लिखा भी है बोर्ड। फाइनली हम 32 मील पहुंच गए हैं, यहाँ से हम हो जाएंगे धर्मशाला के लिए रवाना। फाइनली बाबा लोग, हम धर्मशाला की वादी में पहुंच चुके हैं। ठंड है हमारे वाले एरिया से यहाँ पे काफी ज्यादा, मतलब ठंड लग रही है यार सीरियसली। और बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। फाइनली हम धर्मशाला बस स्टैंड पे पहुंच गए, ये पीछे बस स्टैंड ही दिख रहा होगा आपको। देर से लगभग अपने घर से ही कंटिन्यू बैठे थे सीट पे, लगभग 5:30 बजे से 1.5-2 घंटे हो गए, अभी टाइम 8 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सोचा कि टांगे वगैरह सीधी कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं एंड आपको नजारा दिखाता हूँ यहाँ का। अभी जस्ट 5 मिनट के लिए यहाँ पे रुकेंगे एंड उसके बाद निकल जाएंगे हम सीधा डायरेक्ट दाढ़ी को। यहाँ पे ढाबे पे रुके हुए हैं खाना वगैरह खाने, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अब गर्मा गर्म पराठों का स्वाद लेंगे, देख अंजन ने तो लगभग फिनिश भी कर दिया। खाना वगैरह हो गया, अभी चलते हैं अंजन के सेंटर, यहाँ पे अंजन का टेस्ट है। तो फाइनली हम लगभग अंदर को टर्न कर गए हैं जहाँ पे अंजन का सेंटर है। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई फोन करने में क्योंकि गूगल पे आपको पता है कि सब कुछ मिल जाता है। तो ये रहा भाई अंजन का सेंटर, यहाँ पे है टेस्ट इसका। आपको वो छोटा सा जो दिख रहा है ये धर्मशाला स्टेडियम है जहाँ पे मैच वगैरह होते हैं इंटरनेशनली और IPL भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने छात्र और छात्राएं यहाँ पे टेस्ट देने आए हुए। लगभग अंजन भी अभी जाने वाला है, इसको भी बेस्ट ऑफ लक कर देते हैं भाई, बेस्ट ऑफ लक, फाड़ देना पेपर, ठीक है? नहीं भी आएगा तो भी तुक्का, जय माता दी, जय माता, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना भाई तो चला गया टेस्ट देने, मैं तो यही पे बैठ के उसका वेट करना पड़ेगा यार, 12 बजे उसका टेस्ट ओवर होगा, तो बारिश भी लगने वाली है, तो तब तक मूवी वगैरह देखते हैं नेटफ्लिक्स पे जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए। अभी गंदे वाली बारिश लग पड़ी है यार, शेल्टर की तरफ भाग रहा हूँ, हेलमेट वगैरह लाने गया था स्कूटी से, एकदम से बारिश हो गई है यार गंदे वाली एंड पीछे बादल, आप अभी भी देख सकते हो खतरनाक वाला सीन है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत ज्यादा बारिश होती है यार, बारिश का कोई पता नहीं कब लग जाए। अभी थोड़ी देर पहले धूप भी थी, बट लीव इट, चलो शेल्टर के पास चलते हैं।
बारिश तो लगभग बंद हो गई है, 12 भी बज चुके हैं, अभी इंजन का एग्जाम भी खत्म हो गया होगा, बस निकलने वाले हैं 5 मिनट में गेट के बाहर। एंड अभी भी आप पीछे वेदर देख ही सकते हो, बारिश का कोई पता नहीं कब लग जाए, बीच बीच में तो धूप भी निकल रही है, बादल भी हैं, पता नहीं क्या सीन है मौसम का। पीछे का व्यू दिखाता हूँ यार आपको मैं, एग्जाम देके लगभग स्टूडेंट निकल रहे हैं बाहर, बस भाई भी आता ही होगा अपना, यहाँ पे अपना लौंडा एग्जाम देके पहुंच गया है। हाँ भाई, क्या सीन रहा फिर? तो अभी इंजन का एग्जाम वगैरह खत्म हो गया है, अभी हम दोनों भाई जा रहे हैं अपनी दीदी के घर, कायरा के घर, मतलब जीजू यहीं पे रहती थी, उन्हीं के पास धर्मशाला, तो मिलते हैं उनसे। अभी कॉल आई थी कि आ जाना घर में, खाना वगैरह खा के निकलना घर, तो पहले दीदी के घर जाएंगे उसके बाद निकलेंगे हम अपने घर। पता नहीं है भाई फतेहपुर कहाँ है, पूछना पड़ेगा किसी से। हम गलत रोड में चले गए थे, अभी दोबारा से सही रोड में आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो गया नहीं दीदी के पास कभी, अंजन शायद गया एक दो बार, खासा कुछ पता नहीं है हमें कहाँ जैसे है। तो जीजू को आगे जाके कॉल करेंगे, जीजू हमें रिसीव कर लो आगे आके। यहाँ पे अंजन कायरा के लिए कुछ लेने के लिए रुका है, जैसे कि कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें खाती है वो, तो ये सारा सामान हमने पैक कर लिया है भांजी के लिए, तो ले चलते हैं यार, खुश हो जाएगी देख के। साथ में आप बादलों का नजारा देखो यार, धूप लग पड़ी है थोड़ी थोड़ी, बस हम पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम दीदी के पास पहुंच गए हैं, अभी दीदी से बात वगैरह करते हैं, मिलते हैं उनसे। हेलो चरणवंदना जी, बढ़िया बढ़िया, तुम सुनाओ? और बढ़िया, ठीक ठाक। लोग दीदी ने हमें खाना लगा दिया यहाँ पे, खाने में आप देख सकते हैं ये पूरी खीर ये सब कुछ बना है, क्योंकि आज श्राद्ध था और अंजन पंडित को पूजा जा रहा है यहाँ पे। देखो इसने आते तो खाना स्टार्ट कर दिया, सुबह भी देखा होगा सबसे पहले इसी ने स्टार्ट किया था। खा ले तुम्हारे घर ही खाना है हमने, तेरी मम्मा ले जाएंगे, हम अपनी बहन को ले जाएंगे यहाँ से, तैयार हो जाओ, इसको यहीं छोड़ देंगे, हम तीनों निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ, ये रहेगी अपने पापा के पास। खाना वगैरह खा लिया, यहाँ पे एक मंदिर है, बोल रहे हैं कि वहाँ पे चलो मैं आपको घुमाती हूँ मंदिर, तो उनके साथ अभी मंदिर विजिट करते हैं। तो जिस मंदिर में हम जा रहे हैं ना, वो खड़ौता से लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे है, मुझे जगह का नाम नहीं पता। नेचर में ना राइड करने का मजा आ रहा है यार, फुल पावर, मतलब बिल्कुल बाबा, मतलब फुल पावर फील है यार, जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक ठंडी ठंडी हवा जैसे एसी में मिलती है ना, वैसे वाली वाइब आ रही है पूरी। वो हमारी आखिरी मंजिल देखो बाबा, शमशान घाट, जय हो। कहते हैं कि भगवान शिव का वास होता है, जय शिव शंकर। मंदिर पहुंच गए हैं, देख सकते हो आप, तो ये भगवान शिव और अर्जुन की यहाँ पे चित्र बनाया गया है, मतलब बोला जाता है कि अर्जुन ने यहाँ पे तपस्या करके कुछ अस्त्र वगैरह प्राप्त किए थे, तो ये मंदिर का परिसर कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो आप। एंड इस मंदिर की एक हिस्ट्री भी है, वो मैं बता दूंगा आपको जहाँ पे भी लिखी है। तो सबसे पहले तो अपने हाथ वगैरह धो लेते हैं यार, बहुत अंदर धोना है यहाँ का, यहाँ बाहर से माथा वगैरह टेकते हैं। इस जो मंदिर की और भी खासियत है कि 1905 में एक भूकंप आया था, तो उस भूकंप में सारा का सारा मंदिर टूट गया था, बस उना ही बचा था सिर्फ, बाकी सारा का सारा तहस नहस हो गया था। तो मतलब बहुत ही सत्या, बहुत ही पावर है इस मंदिर में, बहुत कहानी है इस मंदिर की, जो यहाँ का धर्मशाला का लोकल होगा उसे तो लगभग सारी की सारी बातें पता होंगी, बट मैं एक्चुअल में ये जीजू के साथ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, तो बता रहे हैं जीजू साथ साथ में कि ऐसा ऐसा सीन था इस मंदिर का, भूकंप वगैरह आया था, सारा मंदिर का तहस नहस हो गया, बट वो धुना ही बचा, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब काफी अच्छा लगता है ना ऐसे पुरानी पुरानी चीजों के बारे में सुनना, भगवान के बारे में सुनना कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। अभी हम जा रहे हैं नीचे वाली साइड, जो इस मंदिर की मेन पिंडियां निकली हुई हैं वो नीचे वाली साइड है, दिखाता हूँ आपको मैं। तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो, उस जगह पे है मेन पिंडी,
तो जा रहे हैं हम सारे इकट्ठे होके, काफी श्रद्धालु भी यहाँ पे आते रहते हैं, देख सकते हो आप नीचे। तो मतलब अच्छा लगता है यार भगवान के धाम में आके, कितना रिलैक्स सा मिलता है, एक अलग सा सुकून। तो बहुत सी मान्यता है यहाँ की, मतलब यहाँ पे अगर आप पत्थर वगैरह लगाते हो जैसे वो लगाए हुए हैं, तो आपकी मन्नत वगैरह सारी की सारी पूरी होती है यहाँ पे। और देखो इसको छोटे श्रद्धालु को, ध्यान से। तो असली मंदिर यहाँ पे है यार, देख सकते हो लोगों ने कितने पत्थर लगाए, मन्नतें मांगी हुई है अपनी। ये जो भी मन्नत मांगता है वो पत्थर लगाता है यहाँ पे। तो इसके अंदर से आप दर्शन कर सकते हो।